हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं फोर्ड इको स्पोर्ट्स सिग्नेचर एडिशन, जो कि टाइटेनियम वेरिएंट है, टॉप एंड वेरिएंट से एक वेरिएंट नीचे का। तो आज हम इसका आपको पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस देंगे। जो इसके ओनर है वो इससे पहले भी इको स्पोर्ट्स यूज़ कर चुके हैं और अभी फिर से उन्होंने इको स्पोर्ट पर ही स्विच करा। तो आइए मिलवाते हैं आपको इसके ओनर से, मिस्टर गोविंद नागर जी। तो हाय, हेलो मिस्टर गोविंद जी। हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो गोविंद भैया, आप बताएंगे कि आपने मतलब आप जैसे मैं मुझे पता है आपको आपने बताया था कि आप जैसे पहले इको स्पोर्ट पर चला रहे थे 2013 में, आपने स्टार्ट करा था इको स्पोर्ट से, फिर भी उसको आपने 2.5-3 लाख किलोमीटर चला के फिर से आपने स्विच करा, ऐसा क्यों, मेन पर्पज़ क्यों इको स्पोर्ट से क्यों? यही गाड़ी बहुत ही कम्फर्ट और बहुत ही स्मूथ है इको स्पोर्ट्स फोर्ड की। फोर्ड की सबसे बेस्ट गाड़ी मुझे इको स्पोर्ट लगती है। ठीक है, तो जैसे आपने उस टाइम अभी जैसे आपने कितने साल हो गए इसको लिए हुए? इसको लिए हुए मुझे 3 साल हो गए। 2019 वेरिएंट है ये? 2018 तो जैसे आप 2018 में गए तो उस टाइम पे और भी नई नई गाड़ी लॉन्च हुई थी, क्रेटा थी और भी गाड़ियाँ थी इसी रेंज में 12-12.5 लाख रुपए में। तो आपने इको स्पोर्ट पर इसकी स्विच करा? जब कम्फर्ट है, गाड़ी मजबूत है, गाड़ी का एवरेज अच्छा है, तो इसलिए पहले भी मेरे पास इको स्पोर्ट थी, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी रहा था कि आपने इको स्पोर्ट यूज़ करी है, यूज़ किया है तो अच्छी गाड़ी लगी इसलिए इको स्पोर्ट। ठीक है, तो आपने जब इको स्पोर्ट्स ली थी, आप फोर्ड के शोरूम गए थे, डिलीवरी ली थी, तो जैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इको स्पोर्ट लेने का मेरा। तो जैसे नेक्सा वगैरह है वो जैसे आप डिलीवरी लेते हो वहाँ पर, केक वगैरह कटवाती, फोर्ड वगैरह भी ऐसा कुछ सीन है क्या? मतलब केक वेक क्या, चॉकलेट देते हैं और बढ़िया। अच्छा था मतलब एक्सपीरियंस। तो इको स्पोर्ट्स में ऐसी क्या खास बात है जो आपको इको स्पोर्ट्स यूज करने के बाद भी आपको इको कुछ मेन एक खास बात, कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो आपको सबसे बेस्ट लगा? सबसे बेस्ट इसका कम्फर्ट लेवल अच्छा है, बहुत कम्फर्ट है। ठीक है, तो आपने टॉप वेरिएंट से नीचे वाला लिया था? ठीक है, तो आपको 12.5 के आसपास का पड़ा था? 12.5 का एक्चुअली क्या था, दोनों में डिफरेंट कुछ नहीं था जी, उसमें बस सनरूफ उसका एयरबैग का डिफरेंट था, बट मेरे को ये ज़्यादा पसंद थे इसके अलॉय व्हील, ये वाला एडिशन सिग्नेचर एडिशन जो है उसकी स्क्रीन छोटी थी, डिस्प्ले जो इंफोटेनमेंट होता है। अच्छा, तो मतलब उसमें 6 एयरबैग आते हैं, इसमें 2 आते हैं, तो सेफ्टी पर्पज से तो वही ठीक रहती, फिर 1-1.5 लाख रुपए और डाल के कोई रुपए की मुझे अलॉय व्हील पसंद नहीं थे, उसकी स्क्रीन अंदर की स्क्रीन मन नहीं भाई, मतलब वो टॉप एंड वेरिएंट वाली फीचर तो थे बट मन नहीं भाई। ठीक है, तो बताएंगे कुछ मतलब क्या कॉस्टिंग वगैरह, जैसे बताते हैं फोर्ड का एक बहुत ज्यादा वो बना हुआ है भैकाभूत कि यहाँ पे फोर्ड का बहुत ज्यादा मेंटेनेंस है, सर्विस कॉस्ट वगैरह ऐसा चलता है। मेरी सर्विस 5,000 रुपए में हो जाती है मेरे फोर्ड से ही। 2013 से मैं कोई फोर्ड रख रहा हूँ, 5,000-6,000 और मेजर जो गई है अब तक सबसे हाईएस्ट जो आपने कराई है मेजर वाली भी 8,000। लोग वक्त बोलते हैं फोर्ड का मेंटेनेंस बहुत महंगा है, ये आप रेगुलर कस्टमर रहे हो इको स्पोर्ट्स के, तो बताइए मतलब फोर्ड में ऐसी कुछ खास बात की मतलब बिल्ड क्वालिटी वगैरह, जैसे इसको बताते बहुत ज्यादा हैवी है तो एवरेज वगैरह पे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता होगा, तो एवरेज क्या देती है आपकी गाड़ी? 70 का निकाल देती है डीजल में, 16-17 अच्छा चला रहे, 18 भी दे देती है। जी। तो आप जैसे इको स्पोर्ट्स आपने आप बता रहे हो आप 8-9 साल से यूज कर रहे थे, तो आप आज तक आप सबसे लंबा टूर आपने कहाँ तक कमा रहा है? मैंने सबसे लंबा टूर मैं रोहतांग गया हूँ इसी से, इसी इको स्पोर्ट से गया हूँ जी। और चंडीगढ़ तो जाते ही रहते हो? तो जैसे आपने हाईवे वगैरह पर ड्राइव करी होगी, आप लोकल एवरेज बताते हैं 17 किलोमीटर वाला लोकल में ड्राइव पर मतलब दे देती है 18-19 का, 18-19 का, तो जैसे आप इतने लॉन्ग स्टेशन पे तो एवरेज ऐसे ऑलरेडी का। हाँ हाँ, वो तो हिल स्टेशन वगैरह सब कुछ रहता है, तो इसमें जैसे आपको फोर्ड इंडिवर वगैरह में जैसे मोड्स मिल जाते हैं, रफ मोड, टफ मोड, वो सब करके, इसमें भी ऐसा कुछ है या फिर नॉर्मल आपको इको नॉर्मल वही इको पावर वाला? इको पावर वाला। ठीक है, तो जहाँ इतनी दूर लेकर गए गाड़ी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी धोखा दिया गाड़ी ने? कोई भी धोखा नहीं। तो जैसे इकोनॉमी आप बता रहे हैं इसकी 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है लोकल में, तो टैंक फुल करने के बाद कितनी चल जाती है? टैंक फुल करने के बाद ये मान लो 800-850 किलोमीटर। और मैंने सुना है जैसे इको स्पोर्ट्स वगैरह में जैसे ये आपकी गाड़ी है इसमें सनरूफ छोटी आती है, तो प्रैक्टिकली यूज में आती है जैसे आप इतने मतलब ठीक ठाक बंदे हो? हाँ, सब हम सारे सनरूफ में से अच्छे बाहर निकल जाते हो? नहीं, जैसे मैंने सुना है और भी मैंने कहीं देखा है, कई बंदों सुना भी है ऐसा कि हाँ इको स्पोर्ट्स की सनरूफ ना थोड़ी छोटी है, उस हिसाब से आराम से इजीली निकल जाता है बंदा। तो वैसे गाड़ी की लुक तो मस्कुलर है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करती है बिल्कुल, जैसे आप लंबे जोड़े गाड़ी उस हिसाब से आपने सही ली है, क्रेटा वगैरह आपके लिए नहीं थी इतना। तो कुछ और अंदर से आइए तो एक्सप्लोर करते थोड़ी गाड़ी को, तो इसमें आपको ये अच्छा ये पसंद आया तो उसमें छोटी थी स्क्रीन पहले वाली में, ये स्क्रीन जो उससे ऊपर मॉडल है उसमें छोटी है जी। तो सिग्नेचर एडिशन में आपको कुछ ऐसा डुअल कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है ब्लू वाला इधर। तो गोविंद भैया जैसे ये री सनरूफ तो सच में हो जाती है आपकी प्रैक्टिकल यूज में? इजी, बहुत इजी है, हम तो 2-2 बाहर निकल जाते हैं इसमें से। अच्छा जी। पर ये सिंगल बेस्ट, सिंगल ही। हाँ, सिंगल बंदे के लिए सही है ज्यादा वैसे। तो आपने ऐसे अभी तक इसमें जैसा इतनी लग्जरी गाड़ी लिया, आपने सारे फीचर्स लोडेड, कुछ अपग्रेड वगैरह करवाया ऑडियो वगैरह कुछ? नहीं, बस मैंने इसमें ना एक्चुअली बेस ट्यूब लगवाई थी शॉक के लिए।
जी। तो मतलब गाड़ी देख के वैसे म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो कंपनी से आया था अच्छा था, वो भी अच्छा था। आपने अपग्रेड कराया अपनी मर्जी के लिए, अपने अपने टेस्ट के लिए? हाँ वो तो अपना अपना टेस्ट है। तो आपने गाड़ी कितनी चला दी अभी? मैंने ये 77,838 किलोमीटर। तो अभी तक गाड़ी ने कोई दिक्कत कोई परेशानी ऐसा कोई मतलब जैसे फोर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत, मेंटेनेंस वगैरह वही जो आप बता रहे थे 5,000-6,000 लास्ट रुपए सर्विस हो जाती है। तो स्पेस वगैरह के मामले में कैसे गाड़ी? सियाज थी, सियाज की इससे ज्यादा महंगी होती थी। सियाज भी थी आपने? अच्छा पहले सियाज भी चला रहे थे? पहले सियाज थी, उसकी सर्विस 8,000-9,000 रुपए में होती थी। अच्छा मतलब सुजुकी का मेंटेनेंस इससे महंगा पड़ता है फोर्ड से? फोर्ड से। और लोगों ने हुआ बना रखा है कि हाँ मतलब फोर्ड का सबसे महंगा मेंटेनेंस होता है लग्जरी गाड़ी जैसे? आज हमें 9 साल हो गए मेरे को फोर्ड की गाड़ी चलाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आपने इको स्पोर्ट्स पहले यूज कर ली तो फिर मन नहीं बना कि मतलब हाँ कुछ नया ट्राई करते हैं? जैसे इको स्पोर्ट्स आपने यूज कर ली ना, हैरियर लेने का मन हुआ था एक बार, टाटा हैरियर जी। बट क्या हुआ फिर मेरे मन इको स्पोर्ट बहुत अच्छी लगती थी, फिर मैंने कैंसिल करके इको स्पोर्ट्स। मन ही भाई थे पहले, मतलब सोचा नहीं कि हाँ कहीं और स्विच करके देखते हैं फिर कोई नई गाड़ी ट्राई करते हैं ऐसा कुछ? मन ही नहीं किया जब इको स्पोर्ट यूज कर रहे थे ना। जी जी जी। तो स्पेस वगैरह के मामले में कैसी है गाड़ी? ठीक है, जैसे मतलब ऊंची गाड़ी है, मतलब आप इसको कॉम्पैक्ट एसयूवी बोल सकते हैं? हाँ एसयूवी वाली फील आती है, देखो जैसे आपको पूरा बोनट नजर आ रहा होगा सब कुछ। तो मतलब स्पेस वगैरह 4-5 बंदे बैठ जाते हैं आराम से? हाँ, 5 बंदे आराम से चले जाते हैं, 2 आगे 3 पीछे। जैसे आप बता रहे थे आपको होली वगैरह गए थे तो कितने बंदे गए थे इसमें? 5 बंदे गए थे। तो सामान वगैरह लगने में कंफर्टेबल ही गए थे बिल्कुल? हाँ, एसी वगैरह बिल्कुल, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह सेट बिल्कुल, ऑटो एसी आता है ना इसमें? ऑटो एसी आता है। जी 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 जी। तो इंफोटेनमेंट में आपको एप्पल कार प्ले नेविगेशन वगैरह सब कुछ मिलता है? सारा कुछ, नेविगेशन वगैरह सब। तो स्पेस तो ठीक है, जैसे मैं भी खुद 5'8" कहूँ तो देखो जैसे मैंने पूरी सीट पीछे कर ली, अब जैसे पीछे स्पेस आप देख रहे हो तो बैठ सकता है अभी तो 2-3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, 4 बंदे आराम से, 5 बंदे बैठ के जाते हैं। जी 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 जी। तो आप जैसे इको स्पोर्ट्स यूज कर रहे हैं तो अगर कोई मतलब आपका कोई यार रिश्तेदार कोई लेता है नई गाड़ी पर स्विच करने की सोचता है तो आप सजेस्ट करेंगे? हाँ हाँ, मैंने सब बहुतों को दिलाई है इको स्पोर्ट्स। इको स्पोर्ट्स कजन ने भी ली थी, मेरा एक दोस्त है उसने भी ली थी, मेरे जितने भी दोस्त कम से कम हमारे ग्रुप में अब 5-6 इको स्पोर्ट्स है मेरे लेने के बाद, आपके लेने के बाद। हाँ जैसे आपने बताया मैंने सेकंड लिया, मेरे एक दोस्त ने भी पहले उस पर इको स्पोर्ट थी, उसने भी अभी जो नया मॉडल आया है विदाउट स्टेपनी वाला वो लिया है। अच्छा, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला 2021 वाला जो चला है, 2021 में जो स्टेपनी नहीं है जिसमें वो वाला मॉडल लिया है। तो इसमें आपको 5-स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है तो ऑटोमेटिक नहीं लेने का मन बना आप इससे पहले? ऑटोमेटिक नहीं है। अच्छा, डीजल में ऑटोमेटिक नहीं आती? डीजल में ऑटोमेटिक। तो आपने पहले से चलाई थी वो भी डीजल थी? वो भी डीजल थी। तो डीजल की डीजल कॉस्ट भी इतनी बैठती है जितना बता रहे 5-6 हज़ार डीजल वाली की? हाँ, सर्विस की, सर्विस कॉस्ट वगैरह बता रहा हूं मैं। और मेंटेनेंस वगैरह जैसे और कुछ है? मेंटेनेंस मुझे तो इसका जीरो मेंटेनेंस लगता है। सियाज चलाई मैंने। जी जी जी। हमारी ब्लेनो है, ब्लेनो की सर्विस होती है कम से कम 6-7 हज़ार रुपए में। ब्लेनो इससे महंगी पड़ती है? इससे महंगी ब्लेनो पड़ती है मेरे को। यार सही है, फोर्ड का मतलब जैसे हुआ बना रहता है और इसमें आपको स्पेस वगैरह सामान रखने के लिए बहुत मिल जाता है, इधर बोतल होल्डर मैगजीन होल्डर सब कुछ। तो और कुछ इंटरेस्ट इसमें भी? जी है, इधर आपको हाँ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए, अपना जिम के सारे अपने। वैसे भैया एक बात है, जैसे मैं खुद पर्सनल देख पा रहा हूँ आपको जैसे मस्कुलर बंदे, उस हिसाब से मस्कुलर गाड़ी आपने पर्सनालिटी को सूट कर रही है? पर्सनालिटी को बहुत अच्छी सूट करती है। जी जी जी। उस हिसाब से अगर क्रेटा वगैरह लेते तो नहीं मन भरता इतना? तो जैसे आप इतनी अच्छी मतलब सिग्नेचर एडिशन लेकर रोड पर निकलते हैं, अटेंशन मिलती है आप रोड पर चलते हैं इसमें इतनी सारी? हाँ, कंपनी ने इतनी सारी फीचर दी इसमें, मतलब फीचर लोडेड गाड़ी है पूरी, तो अटेंशन मिलती होगी। ठीक है, तो आइए भैया एक बार पीछे से और स्पेस देखते हैं। जैसे मैं इसकी पूरी सीट फोल्ड कर दी पीछे तरफ को फैला दिया, तो भाई का कुछ जिम का सामान रखा हुआ है। तो इसमें देखो यार स्पेस तो है, भाई बिल्कुल सही बोल रहे थे स्पेस तो है, देखो मेरी पूरी फैले हुए हैं पैर। तो ये तो है गोविंद भैया, स्पेस तो है बहुत ही ज्यादा। आपने ये भाई के स्पीकर जो सेंटर में भी इसमें है ये? अच्छा, ये इसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको? यहाँ से आप बूट एक्सेस नहीं कर सकते, वो होता है ना जैसे कुछ गाड़ियों में यहाँ से आप बूट एक्सेस भी कर लेते हैं, इसको खोल के बूट में चला जाता है। तो आप मतलब रिकमेंड करते हो कि हाँ इको स्पोर्ट लेनी चाहिए? और ये आपकी सनरूफ रेंज में अगर 12-13 लाख की रेंज में गाड़ी लेनी है तो इको स्पोर्ट बेस्ट गाड़ी कोई नहीं, इससे बेस्ट इको स्पोर्ट से। तो ये प्रैक्टिकल यूज में आती है मतलब सनरूफ आपकी? सनरूफ आते हैं, यूज करते जब भी। जी जी जी, मतलब निकल जाते हो आप भी इसी में से आराम से? बिल्कुल इजी। वाह वाह यार, मतलब जैसा बोलते हैं लोग बाग यहाँ छोटी है यार, मुझे तो नहीं लग रही भैया जैसे इतने खुद इतने लंबे चौड़े निकल जाएंगे आराम से। तो भैया जैसे आपको मतलब आपको एक नेगेटिव पॉइंट भी जरूर मिला होगा जब इतने पॉजिटिव पॉइंट आप गाड़ी में, मतलब एक कमी कहीं ना कहीं खटकती होगी हाँ यार इसमें ये और होना चाहिए, तो कुछ ऐसी चीज बात कि हाँ भाई ये होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? इसलिए मेरे को तो इसमें नेगेटिव पॉइंट लगा ही नहीं, कोई भी नेगेटिव चीज लगी नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ऐसा कुछ इशू आता ही नहीं है? फुल फिट है, मतलब कुछ भी कमी नहीं लगती आपको? एक नेगेटिव पॉइंट भी हो तो मैं दूसरी गाड़ी नहीं लेता। हाँ, फिर से स्विच क्यों करते हो और कहीं जाते फिर दूसरी गाड़ी लेता कोई? जी जी। तो इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट में मिलता है? हाँ। ये बिल्कुल टॉप एंड, मतलब टॉप एंड वेरिएंट वाले तो सारे फीचर है, ऑटो हेडलाइट ऑटो वाइपर सब कुछ। उसमें फर्क कितना था कि उसमें 6 एयरबैग है और इसमें 2 एयरबैग सर, ड्राइवर को ड्राइवर का सर। स्क्रीन छोटी है
और एलॉय व्हील चेंज है, मुझे ये एलॉय व्हील ज्यादा अच्छी ये वाले जो भी इसमें है। तो ये दिखाता हूं आपको, एक चीज की प्रॉब्लम आई थी, इसके जो टायर थे ना वो लो प्रोफाइल थे, वो मैंने चेंज करा दिए। जो कंपनी ने देते थे लो प्रोफाइल वाले थे, लो प्रोफाइल उसमें एक प्रॉब्लम आती थी क्या कि गाड़ी में कभी भी हवा कम होती थी, तो जैसे हम हिल स्टेशन पे जा रहे तो टायर कटने का फौत कटा गया थे, दो बार कट गए थे। अच्छा, जब पहाड़ों पे आप घूमने जाते थे हवा कम हुई लो प्रोफाइल टायर थे कट जाते थे। अच्छा जी, मैंने टायर चेंज करा। अच्छा, कंपनी ही लो प्रोफाइल देती है, सिग्नेचर एडिशन है। वैसे ये मुझे ना और इको स्पोर्ट्स के मुकाबले डिफरेंट लग रही है थोड़ी, बाहर अंदर से थोड़ी ग्राफिक्स भी इसमें ऐड करे गए, थोड़ा और फीचर्स मुझे लोड लग रही है। तो प्रैक्टिकली यूज में आती है सब कुछ, मतलब सारे फीचर्स आपने यूज कर रखे प्रैक्टिकली। तो ऑडियो जो आपने अपग्रेड करा था दिखाएंगे एक बार क्या क्या लगवाया था। तो भाई ने इसमें थोड़ा सा ऑडियो अपग्रेड कराया था, ये वूफर, वूफर और ये स्पीकर, दो स्पीकर। तो वैसे कंपनी से भी अच्छा सिस्टम आता है, हाँ वो भी अच्छा आता है, बट मेरे को ये लगवाने थे। तो जैसे आपने वूफर वगैरह सेटअप कर लगवाया तो उसके बाद बूट से स्पेस की कमी फील नहीं हुई कि हाँ कुछ सामान रख के ले जाना पड़ जाए, कुछ साइड हो जाता है सामान इधर आ जाता है। हाँ, बूट स्पेस वैसे भी बहुत ज्यादा है इसमें, 300 लीटर समथिंग है, सामान चला ही जाता है। गाड़ी तो यार मस्कुलर है वैसे, और भाई की पर्सनैलिटी को तो खैर शूट ही कर रही है। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस सही रहा, ठीक है। एलॉयज आप ये बोल रहे थे लो प्रोफाइल आते हैं टायर है इसमें, जो कंपनी देती है ये वाला टायर आता था लो प्रोफाइल जो कंपनी देती थी, जो देती थी। हाँ, इसका साइज छोटा है उसके मुकाबले, होता था जब हवा कम होती थी ना कट जाता था, ये वाला चेंज करा दिया, फिर हमने इसमें बड़ा साइज लगवा दिया था। मतलब आपको दिक्कत आई थी हिल्स वगैरह से, हिल्स स्टेशन वगैरह पे अगर हवा कम होती थी, और आपने कुछ अलग से इसमें करवाया, सब ग्राफिक्स वगैरह सब कंपनी ने देते, कुछ नहीं कराया बाहर से, कुछ चेंज नहीं अभी, बस ऑडियो सेटअप अपग्रेड कराया था आपने। तो पावर वगैरह कैसी है गाड़ी की, जैसे मतलब फोर्ड का नाम है, 1498 cc का इंजन है तो ठीक ही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती लोडिंग वगैरह की, यहाँ कुछ दब रही है गाड़ी एसी पर, नॉन एसी या फिर कहीं नहीं, भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, कोई भैया, थैंक यू अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच।